माँ का दर्द। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद ना रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी ना करता। फिर भी ये बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? माँ बोली, मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आ जाओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर गया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मेरी ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं हैं। जिस से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन उनके परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वहाँ अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी, बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जाँच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है। तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो, मैं यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहल पहल भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ में सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। सुलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊँ? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुँची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है
लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।